अरब का बजट झाझा नगर परिषद के द्वारा आज पारित किया गया है। देख रही हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज। देखिए इस वक्त हम नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के पास उपस्थित हूँ। आज को बताना चाहता हूँ 24 और 25 का बजट पेश किया गया है, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ हमारे नगर परिषद के चेयरमैन संजय यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नगर परिषद की बजट को लेकर, क्या क्या बजट निकाली गई है, किस विभाग को लेकर बजट पेश किया गया, आपको बताना चाहता हूँ। नगर परिषद में जिस तरीके से नल जल योजना हो, 20 नंबर वार्ड को वार्ड योजना सही से नहीं चल रही, उसको लेकर भी बात उठाई गया है वार्ड पार्षद बिट्टू राम जी के द्वारा, आपको बताना चाहता हूँ। नगर परिषद का चेयरमैन संजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। झाझा नगर परिषद के द्वारा आज पारित किया गया है, जिसमें कच्ची नली गली, कच्ची फिर जीर्णोद्धार सड़क जो है, नाली है, जल जीवन हरियाली है, ठोस स्ट्रीट है, घाट का निर्माण है, शमशान का निर्माण है, जो झाझा बनने में अगर बिहार सरकार राशि देती है तो झाझा का चौमुखी विकास होगा। किस सेक्टर में सबसे अधिक सबसे ज़्यादा लिया गया है आपका गली नली का जीर्णोद्धार में, बहुत सारी सड़कें झाझा का खराब है, उसको जीर्णोद्धार किया है। कई ऐसी सड़कें हैं सर जो जीर्णोद्धार की बाट जो हो रही हैं, जैसे झाझा बस स्टैंड से लेकर आपका खलासी मोहल्ला तक, तो क्या क्या सड़क के लिए बजट? देखिए वो तो ऐसे आपका PWD की सड़क है, हम लोग उस पर NOC का मांग करेंगे और कोशिश सरकार अगर राशि देगी तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार करेंगे। और झाझा की जनता को क्या नगर परिषद सौगात दे रही है सर? झाझा नगर परिषद में सभी वार्डों में अभी गली और नली का निर्माण होगा, पुनः जो अभी आचार संहिता में तो टेंडर है नहीं हो सकेगा, लेकिन आने वाले दिनों में टेंडर की प्रक्रिया में जाएगी, निविदा की प्रक्रिया में। समान बैठक में क्या हुआ? समान बैठक में सभी वार्डों में गली नली का निर्माण का निर्णय लिया गया है। और बैठक में वार्ड सदस्य वाला भी किसी तरह की कोई बात आई? ज़्यादातर नल जल की योजना आई और बिजली का सबसे बड़ा है कि जहाँ पोल लग गया है पोल लगाया जाए। जन वितरण प्रणाली पर भी MO साहिबा को सभी लोगों ने कहा है कि बहुत सारा गरीब का कार्ड नहीं बना है, उसको कार्ड बनाया जाए। आज की सामान्य बैठक में कोई ऐसा विभाग जिसकी पदाधिकारी उपस्थिति नहीं हो सका? नहीं, आज तो लगभग सभी पदाधिकारी थे। एक चीज़ और देखें, बजट में सबसे ज़्यादा आवास निर्माण पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है पैसे, तो ऐसा क्या कि फिर से आवास का एक यहाँ के हब बन सकता है क्या? देखिए हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोबारा एक सर्वे करा कर जिसका छत नहीं है उसके लिए आवास मुहैया कराए। नगर परिषद क्षेत्र में कई ऐसे भी हैं जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, वे लोग भी कई बार चक्कर लगा रहे ब्लॉक पर, इस पर देखिए अभी MO साहिबा आई थी, उनसे माननीय सदस्यों के द्वारा ये बात उठाया गया कि बहुत सारा कार्ड नहीं बन रहा है, वो बोले हैं ऑनलाइन कराने के बाद आप हमसे मुलाकात करें, सभी का हम लोग बना देंगे जो उसका कार्ड लेने के लिए जो प्रक्रिया। सर बिजली के कई ऐसे खंभे हैं इस पर लगातार बिजलियां बर्बाद होती हैं, उसको बचाने का कोई उपाय नगर परिषद सोची है? देखिए ये ECL कंपनी के द्वारा बिहार सरकार आज से साढ़े छः साल पूर्व नगर विकास ने ECL कंपनी के द्वारा दिया गया था, और ECL कंपनी को बार बार स्विच लगाने के लिए कहा जाता है, वो नहीं लगाते हैं। आज इस पर सभी सदस्यों के द्वारा रोष प्रकट किया गया, और जिस पोलों पर लाइट नहीं है उस पोल पर लाइट लगाने का व्यवस्था करने की मांग किए हैं माननीय सदस्य के द्वारा। एक चीज़ और देखा गया है कि नगर क्षेत्र में कई ऐसे मकान हैं जिसके छत से भी बिजली की तार गुजर रही है और लोग फरियाद भी लगा रहे हैं, खासकर ये भी बोले कि नगर परिषद की ओर से भी इसमें सहयोग अगर बिजली विभाग। देखिए जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे, ये तो बिजली डिपार्टमेंट का काम है कि तार को किधर से ले जाना। टैक्स का भी कुछ स्लैब चेंज हुआ सर? क्या जो टैक्स नगर परिषद का नहीं, जो नगर परिषद का स्लेब है पूर्व में जो लग रहा था, नगर पंचायत से नगर परिषद का जो सबसे नीचे कोटि का है वो लग रहा है। सर वाटर टैक्स भी